नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला एक दिग्गज कंपनी के बारे में। देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो बहुत सारा कंपनीज के नाम पहले आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा टॉप रैंकिंग में है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। देखिए, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज देखा जाए तो एक आप सभी जानते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज फेविकॉल बनाते हैं, और फेविकॉल एक्चुअली देखा जाए तो ये भी एक केमिकल कंपनी है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में आज मैं बात करूंगा जितने सारे एग्रीकल्चर है, और साथ ही साथ जितने सारे एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, उसी से एक नंबर वन कंपनी के बारे में जो फ्यूचर में आपको बहुत बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं और अच्छा खासा पोटेंशियल भी रखते हैं। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए तब। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप अभी तक अपने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो इंटरनल लेवल में कॉल प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां पे जाकर एक बार ज्वाइन हो जाइए। आपको वहां पे अच्छा लगे तो आप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए और वहां से काम करिए तो आपको प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होने का चांसेस मिल जाएगा। तो उसका भी लिंक आपको मैं नीचे दिया हुआ हूँ। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है वो है एक्चुअली कंपनी का नाम। कंपनी का नाम पहले देख चुके हैं एसआरएफ। तो एसआरएफ में पहले एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, मेरे इस कंपनी में बहुत पुराना निवेशक है। कंपनी ने तो आपको स्प्लिट भी दिया, और सॉरी माफी चाहता हूँ, बोनस भी दिया। नहीं तो इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको 12,000 के ऊपर भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो उसके बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी सबसे पहली बात उतना छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 76,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलेशन है। तो 76,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन लेकर इस कंपनी चल रहा है। और कंपनी के देखिए पिछले दिन में जब क्लोजिंग हुआ कितना शानदार रैली, करीबन 4.5% से भी ज्यादा। तो देखिए 5 दिन का चार्ट ओपन कर दो तो 5 दिन में कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 5 दिनों का जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे भी देखिए 14% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुका है, कितना शानदार रैली। और 1 माह में देखेंगे तो करीबन 8.5% तक आपको रिटर्न दिया। हाँ देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ था, उसको किस तरीके से रिकवरी किया, 11% तक गिरावट हो गया था। 6 माह में भी पॉजिटिव 21% का, 1 साल में तो 144% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। और 5 साल की बात कर दो, 5 साल में कंपनी 700% तक कंपनी दे चुके हैं। मैक्सिमम चार्ट पर ट्रेड कर दो तो देखिए कितना शानदार यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ हुआ है। देखिए अगर कोई कंपनी, मैं हमेशा आपको एक चीज जरूर बताता रहता हूँ कि कोई भी कंपनी इस तरीके से रॉकेट की तरह भाग रहा है तो उसके पीछे लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। और वो लॉजिक अगर ठीक है और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर ठीक है, तो कोई बात नहीं इस तरीके से परफॉर्मेंस होते रहेंगे। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे भी आया था तब भी रॉकेट की तरह भागा था, यहाँ पे भी रॉकेट की तरह, यहाँ पे भी रॉकेट की तरह, और भी फिर हाई कर रहा है वो भी रॉकेट की तरह। तो इसका मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके कंपनी का डिटेल्स आपके सामने क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए कंपनी का ये जो लेवल है यहाँ पे हाई था। देखिए हाई मतलब कंपनी बोनस देने के बाद जो कंपनी का जो डिवाइड हो गया था तो 1:5 रेशियो का, तो वहां पे जो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो लेवल था वो करीबन करीबन यहाँ पे इस लेवल को हाई किया था। और हाई जो हुआ था इसका करीबन 2680, तो 2680 अब मान के 680 इस मान के चलिए इस लेवल तक हाई हुआ था। और यहाँ पे देखिए उसके बाद कंपनी ने किस तरीके से गिरावट दिखा, तो करीबन करीबन 2100 तक कंपनी आ गया था। उसके बाद देखिए कंपनी कितना शानदार रिकवरी किया। देखिए रिकवरी होने के बाद भी मैं एक चीज आपको ऊपर जरूर दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस तरीके से वॉल्यूम बेसिस से रिकवरी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंपनी में बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बाइंग भी हो रहा है। तो बाइंग तभी भी होते हैं जो कंपनी पोटेंशियल रखते हैं और सस्ते दाम में मिल रहा है, वो कंपनी के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो आपको पेशेंस होना जरूरी है। आप कोई भी कंपनी के ऊपर टॉप लेवल में बाय करके रखा है और अगर 10-15% गिरावट हो गया तो आप बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो इसलिए मतलब पैनिक हो जाते हो तो इसलिए स्टॉक मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाते। तो आपको अच्छा खासा कंपनी में अगर निवेश करके रखे हैं और आप पेशेंट के साथ बने हुए हैं तो आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ,
तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप भी फॉलो करिए, आप इस तरीके से स्टडी करके देखिए, इस तरीके से आप काम करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा हाँ कि मैं क्यों आपको बता रहा हूँ इस बारे में। तो यहाँ पे जो एक्चुअली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँ, तो कंपनी का टोटली जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी हर साल में रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है। देखिए ऐसे ही कंपनी रॉकेट की तरह नहीं भागा, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है तो इसीलिए कंपनी भागा है। तो आप रेवेन्यू के बारे में बात करो तो देखिए कंपनी 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000, 7,000, 200, 8,400। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी हर साल में उसी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है जिस तरीके से शेयर भी भाग रहा है। तो अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है और कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है तो पहले से ही उस कंपनी से निकल जाना चाहिए। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो तो नेट प्रॉफिट भी देखिए कितना इंक्रीज हुआ है। 500 करोड़ था 2017 में, 400 करोड़ 18 में, 591 करोड़ 19 में, 915 करोड़ 20 में, और 1,000 क्रॉस कर चुके थे 2021 में। तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इस टाइम में कोरोना के पीरियड था, मतलब इस टाइम में कोरोना के सिचुएशन सबसे ज्यादा था। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि इस कंपनी के ऊपर आपको रॉकेट की तरह भाग रहा है, मतलब कुछ तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल जरूर इस कंपनी में है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी देखिए कितना शानदार है, 200 रुपये भी ज्यादा अर्निंग पर शेयर कंपनी आपको दे रहा है, मतलब पर शेयर में कंपनी 200 रुपये से भी ज्यादा इनकम कर रहा है। ये बात ऑब्वियसली पॉजिटिव है, पर शेयर में इनकम करना 200 रुपया कोई छोटी मोटी बात नहीं होते। और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए करीबन 17%। देखिए ये रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि ये चेंजिंग होते रहते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस से। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी के पास देखिए पहले तो अच्छा खासा डेप्थ था, 1% तक डेप्थ था, अभी तो करीबन 0.43% का डेप्थ, मतलब बहुत कम डेप्थ कंपनी अभी कंपनी के पास है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करो तो देखिए प्रोमोटर के पास 50.73% होल्डिंग है। और एफआईएस के बारे में बात करो तो एफआईएस भी देखिए अच्छा खासा मान उठा कर रखा, पहले 19% था, बीच में थोड़ा सा कम किया, फिर भी 19% है। इसका मतलब एफआईएस माल बेचना नहीं चाहता, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा है तो क्यों माल बेचे? जहां पे अच्छा खासा रिटर्न मिले, जहां पे 30% प्लस एवरेज आपको रिटर्न दे रहा है, वो उस कंपनी से माल बेच के क्या फायदा? वही उसी से तो फायदा मिलेगा। एफआईएस और डीआईएस कौन है? जो इंस्टीट्यूशन है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो गवर्नमेंट फंड कंपनी है, वो क्या करते हैं? आपसे पैसा लेके आपको एफडी, मान के चलिए आप बैंक में एफडी करते हैं तो आपको 5-7%, चलो 5-6% तक आपको एफडी में रिटर्न दिया, सालाना आपको 6% रिटर्न दिया। और वो का यहाँ से कितना कमा रहा है? वो यहाँ पे 20-30% तक रिटर्न कमा रहा है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए आप भी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। देखिए वो रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए आपका फंड मान के चलिए आप 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ, मगर इंस्टीट्यूशन कितना हजार, टोटल इंस्टीट्यूशन कितना हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं आप सभी जानते हैं, तो उसका रिस्क कितना ज्यादा है, क्योंकि वो कस्टमर के पैसा लेकर ही मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा के उसका परसेंटेज कस्टमर को देते हैं। एलआईसी क्या करते हैं? मार्केट से पैसा उठाते हैं और उस पैसे पैसे का एक परसेंटेज इन स्टॉक मार्केट में लगाता है, और भी बहुत सारे सेक्टर में लगाता है। स्टॉक मार्केट में आप ज्यादातर कंपनीज में देखेंगे तो इसका हिस्सेदारी आप खुद ही देख लीजिए, इसमें भी इतने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करके रखा। देखिए कोटक इक्विटी, यहाँ पे देखिए डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक इंडिया ग्रोथ, एसबीआई इक्विटी, मतलब सारे के सारे, मीरा एसेट, मतलब सारे के सारे। आप जो म्यूचुअल फंड करते हैं, निपोन इन लाइफ इंडिया, तो जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके 15-20% रिटर्न कमाता है, वही म्यूचुअल फंड कंपनी इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके देखिए कितना पैसा कमा रहा है। देखिए कितना, 75, 52, 48, मैं चलो छोड़ ही देता हूँ, इतना रिटर्न छोड़ ही देता हूँ मैं, एवरेज इस कंपनी अगर 30% से भी रिटर्न दिया ना, वो भी आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। तो इस बात को तो भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, अगर इस बात आप आपके खुद के दिमाग में नहीं मतलब छपेंगे तो आप फ्यूचर में पैसा नहीं कमा पाएंगे स्टॉक मार्केट से। तो देखिए इस कंपनी मेरे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मैं बेस्ट कंपनी मानता हूँ, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से जबरदस्त है। साथ ही साथ आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो कंपनी देखिए बहुत बार आपको डिविडेंड, साल में आपको 3-4 बार डिविडेंड देते रहते हैं, बोनस भी 4:1 का रेशियो के बोनस भी कंपनी दिया, बायबैक भी कंपनी एक बार दिया। देखिए आपको यहाँ पे रिटर्न तो मिलता है, जो आपको रिटर्न तो मिलता है साथ ही साथ आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी स्टॉक मार्केट में मिलता है। हाँ आप अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करके रखे तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी में आपको बोनस सबसे ज्यादा देगा, साथ ही साथ आपको सॉरी बोनस नहीं डिविडेंड सबसे ज्यादा देगा, और बोनस भी दे सकते हैं, मगर उसमें आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा अलग सोचेंगे, अलग
कंपनी को चूज करेंगे तो आपको अच्छा खासा थोड़ा सा रिटर्न मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी बेस्ट है, क्योंकि इसका हर परफॉर्मेंस आपको दिखा चुका हूँ। तो आप खुद स्टडी करना, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना बेस्ट है। क्योंकि देखिए पीटीले इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में पीटीले इंडस्ट्री नंबर वन है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखा जाए तो एसआरएफ नंबर वन है। तो एसआरएफ अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। आप खुद ही इसका जो टोटल देखिए, केमिकल जो बिजनेस से टोटल 43% रेवेन्यू केमिकल से ही आते हैं। इसका मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ ले ले आएंगे, क्योंकि केमिकल को छोड़कर कुछ भी काम नहीं हो सकता अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो है। तो उसके हिसाब से सोचिए तो इस कंपनी बेस्ट होगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।